दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 चैप्टर है 11 कबीर के दोहे। तो इस वीडियो में हम लोग इस कबीर के दोहे को पढ़ेंगे और साथ में इसका अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दोहा नंबर 1 है वह क्या कह रहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेंगे कब। तो इसका अर्थ अब हम लोग समझते हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उस दोहा का अर्थ हो जाएगा, देखिए, जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में परलय हो जाएगा, तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो। इसका ये अर्थ हो जाएगा। चलिए आप अगला दोहा देखते हैं। देखिए अगला दोहा क्या है, अगला दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस दोहा का अर्थ हो जाएगा, हे ईश्वर आप मुझे उतना ही धन दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार और सगे संबंधियों की आवश्यकता को पूरा कर सकूं, तथा मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वारा द्वार पर आए अतिथि या साधु भी भूखे ना रहें या ना लौट सके, भूखे ना लौट सके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है दोहा, अगला दोहा है मेरा यहाँ पर, निंदक निवरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ हो जाएगा, जो आपकी निंदा करता है उसे भी आप मिलाकर रखें, उसका आप सम्मान करें, चाहे उसके लिए आपको परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, क्योंकि आपके निकटता को पाकर स्वयं उसे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात बिना पानी और साबुन के उसके मन स्थिति मैल दूर हो जाएगी। अब हम लोग अगले दोहे का अर्थ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर है अब मेरा अगला दोहा, देखिए अगला दोहा है, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान। म्यान मतलब क्या था, तलवार का खोला। इसका अर्थ हो जाएगा, सज्जन ज्ञानी व्यक्ति की जाति जानने का प्रयास मत करो, अगर जानना हो तो उसके ज्ञान को जानो, ज्ञान को प्राप्त करो, मूल्यांकन तलवार का करो म्यान का नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है मेरा, अगला है, सोना सज्जन साधु जन टूटे जुरे स्वभाव, दुर्जन कुंभा कुंभार के एके धुका दरार। इसका अर्थ होगा, सज्जन और साधु जन सोना की भांति सैकड़ों बार टूट जुड़ सकते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं, दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घरे की भांति एक ही धक्के में दरार पैदा कर लेते हैं, जो प्रयल से भी नहीं जुड़ते। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पाठ है सो पंडित हो। इसका अर्थ होगा, पोथी पढ़ते पढ़ते लोग मर गए लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ, जो व्यक्ति मात्र ढाई अक्षर के प्रेम शब्द का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही पंडित हो गया। इसका अर्थ यह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये भी दोहा बहुत ही अच्छा है, इसे भी पढ़िए। क्या कह रहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोज आपनो मुझसा बुरा न कोई। इसका अर्थ होगा, रहीम कभी कहते हैं, जब मैं अन्यों में बुराई खोजने निकला तो बुरा कोई नहीं मिला, जब हमने
अपने अंदर की बुराई को झांकने का प्रयत्न किया तो लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो आज का ये जो कविता था, रहीम के दोहे थे, ये ख़त्म होता है अर्थ के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर, और क्लास चलते रहेगी।